बच्चों ये रास्ता है बहुत ही अजीबो गरीब रास्ता है, तो देखो आप एंजॉय लो। और ये खासकर आसाम कार्बी आंगलोंग वेस्ट कार्बी आंगलोंग और माइलू से हवाईपुर चारल्ती भी जा रहे हैं, उतना दूर में ही रास्ता बहुत अपना कमाल शो कर देते हैं। तो थोड़ा दूर तक मजा लेते हैं, देखते हैं रास्ते का क्या मजा है। सो वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना यार भाई चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये रोड दिखाऊंगा मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। सो वीडियो में बने रहिए और देखते हैं। ये फिलहाल अभी स्टार्ट हुआ है नवाईबिल से माइलू पार करते हुए डायरेक्ट हवाईपुर चारली तक। रास्ता बहुत खराब है पता ही है, यहाँ पर भी एंजॉय करते हैं रास्ते का मजा लेते हैं। ये माइलू से माइलू नहीं पहुंचे अभी ना भाई, माइलू नहीं पहुंचे अभी, अभी जा रहे हैं माइलू। और रास्ता का हालत मतलब गाड़ी चलाने लायक है, हैं? गाड़ी चलाने लायक एकदम बढ़िया चकाचक 4G रास्ता है ये। आसाम गवर्नमेंट कार्बी आंगलोंग का आदमी लोग क्या कर रहा है। ये देखो हालत भाई, हालत देखो, एक गाड़ी भी पार नहीं हो सकता ही आसानी से। ये गाड़ी को पार करने के लिए गाड़ी रोकना पड़ता है, क्या बात है। ये महफिल, ये सफर, ये रास्ता, एक बार जो सफर कर लेगा नेक्स्ट टाइम आने का नाम ही नहीं लेगा, नेक्स्ट टाइम आने का नाम नहीं लेगा। बहुत ही सुंदर बात, अभी तो ये झलक है, अभी और 5G रोड मिलने वाला है बस 10 मिनट के बाद बस। ये देखो ये नदी है इधर, एकदम लास्ट कगार पे ये रोड है, थोड़ा सा भी बाइक गया तो इंसान गया नदी में हवा खाने, जान का हाथ धो देगा, अपने जान से हाथ धो देगा। यही तो हालत है कार्बी आंगलोंग वेस्ट कार्बी आंगलोंग और छोटा हो गया है। ये देखो नदी एकदम पास में ही है और ये भाई साहब रास्ता है, लामसाखान टू माइलू रोड। और अभी हवाईपुर तक जाएंगे हम, हवाईपुर तक देखेंगे इस रास्ते का क्या नजारा है। ये आसाम गवर्नमेंट तक जाना चाहिए कैसे भी करके, शेयर करो शेयर भाई शेयर करो, जाना चाहिए, तहलका मचा दो यूट्यूब पे। एक इंच थोड़े सी दूर भी मतलब सही नहीं है, इतनी 5G नहीं जा सकते, 10 मीटर सीधा नहीं जा सकते, बाइक की हालत खराब हो जाती है। अभी और देखेंगे 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 जरूर देखेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। ये देखो भाई मतलब नहीं पार हो सकते हैं, जैसे तैसे ये पार हो गए हैं हम। इसमें बाइक चलाने के लिए भी थोड़ा हैबिट एक्सपीरियंस और जुनून जज्बा जान जिगरा सब चाहिए। ये हमारे बलवंत भाई यूट्यूब पे आएंगे बलवंत भाई था हाँ यार, बलवंत नाम है इसका। ये देखो भाई मतलब थोड़ा सा भी स्लिप हुआ तो आदमी गया पानी में, खिचपिच 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 खिचपिच। अब ये देखो भाई रास्ता, रास्ता में गड्ढा नहीं है, गड्ढा में रास्ता है,
है ना। ये देखो अभी आगे से भी बाइक आ रहे हैं, पार करने में बहुत ही मुश्किल होगा। अभी फिलहाल ये मतलब इतना खराब है, इतना खराब कि दो बाइक भी पार नहीं हो सकते हैं। बहुत ही ज्यादा बकवास बोल सकते हैं इसको, घटिया बोल सकते हैं, जितना से जितना खराब बोल सकते हैं वो है ये रोड। जबकि यहाँ का मेन रोड है ये, खेरोनी से माइलू तक का मेन रोड है, और मतलब इसका हालत देख सकते हो। क्या बोले, मतलब क्या ही बोले, क्या बोलेंगे आप? आपको गाड़ी चलाने में बहुत ही सुविधा हो रही है या असुविधा हो रही है? असुविधा हो रही है। हम तो इधर उधर कूद रहे हैं, उड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं। देखिएगा गाड़ी पर से जंपिंग करके आप, इससे बैठने के लिए भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। ये देखिए भाई, ये ऑटो वाला भी मतलब फंस जा रहा है बेचारा, रुक जा रहा है। बहुत ही सुविधा से मतलब आसाम गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे। और बहुत दिनों से चल रहा है ये रोड का काम, बट एक बार भी ढंग से हुआ नहीं है, एक बार भी मतलब इसको अच्छे से रिपेयरिंग नहीं हुई है। तो ये गवर्नमेंट से अपील है कि ध्यान दिया जाए। जबकि यहाँ का मेन रोड है ये, मतलब नहीं बोल सकते हैं, मतलब क्या बोले। शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताओ कि आप कर क्या राय है इस पे। ये रोड जो है मतलब काफी टाइम से ऐसे ही है, और काफी मशक्कत, बहुत एक बार रैली भी हुआ था, एक्सीडेंट ने भी बाहर बहुत सारे रैलीस हुए, लेकिन ऐसा कोई इस पे कार्रवाई नहीं किया गया है। मतलब रोड जो देख रहे हैं ना आप, इस पे मतलब इंसान मतलब कोई भी वाहन मतलब ऐसे कहीं से भी नहीं जा सकता है। एक साइड से पूरा, इधर देखिए साइड से ही जा सकता है, इधर उधर इधर उधर, बाकी रोड का कोई मतलब वो नहीं है। रोड पे आदमी नहीं चल रहा है, आदमी रोड पे जबरदस्ती चलवा रहा है। भाई वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा यार, और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। रोड देख ही लो क्या हालत है रोड का। तो कमेंट करके जरूर बताना यार, कि शेयर जरूर करना, शेयर तो जरूर करना है, मोस्ट प्रोबेबली शेयर करना है, ठीक है। उसके बाद अब देख ही लिया, सो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगा। ऐसे ही ब्लॉग एंजॉय कीजिए, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सो टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, इजाजत दीजिए हमें।